नमस्कार, मैं हूं वंदा शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। सरकार चीन के साथ विवाद पर तनाव के बीच कई उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने का विचार कर रही है। इसमें मुख्य रूप से वो उत्पाद हैं जो पड़ोसी देश चीन से आयात होते हैं। आपको बता दें कि भारत के कुल आयात में करीब 14% हिस्सा चीन का है। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान भारत ने चीन से 62.4 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जबकि निर्यात की बात की जाए तो उसका नंबर है 15.5 अरब डॉलर। चीन से आयात होने वाली मुख्य वस्तुओं में घड़ी, संगीत उपकरण, खिलौने, खेल का सामान, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहा और इस्पात के सामान, उर्वरक, खनिज ईंधन और धातु शामिल है। अहम बात यह है कि शुल्क बढ़ाने का कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब सरकार स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसके साथ ही कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी सरकार चीन की 3 कंपनियों के साथ हाल ही में किए गए समझौते रद्द करे। कैट ने भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार के राष्ट्रीय अभियान का भी आह्वान किया है। भारत के कई सेक्टर में चीन की करीब 100 कंपनियां कारोबार कर रही हैं और चीनी कंपनियों के द्वारा भारत में करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है। जमीनी हकीकत तो ये है कि भारत और चीन के बीच कारोबारी रिश्ते बहुत मजबूत हैं। चीनी कंपनियां अगर भारत में कारोबार कर रही हैं तो भारतीय कंपनियां भी चीन में कारोबार कर रही हैं और हमारे कुल विदेशी व्यापार का करीब 10% हिस्सा अकेले चीन से होता है। बात की जाए चीनी कंपनियों की तो करीब 100 चीनी कंपनियों ने भारत में अपने दफ्तर या कारखाने स्थापित किए हैं, जिनमें मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और हार्डवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल आदि फील्ड में हैं। चीन की कई दिग्गज सरकारी कंपनियों को भारत में मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में प्रोजेक्ट हासिल हुए हैं। इन कंपनियों में साइनो स्टील, शाओगैंग इंटरनेशनल, बायोशान, आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सैनी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड, चोंगक्विंग लाइफन इंडस्ट्री लिमिटेड, चाइना डोंगफेंग इंटरनेशनल, साइनो हाइड्रो कॉरपोरेशन आदि शामिल हैं। इसी तरह चीन की कई इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और हार्डवेयर कंपनियां भी भारत में कारोबार कर रही हैं, जिनमें हुवावे टेक्नोलॉजीज, जेटीई, जीटीसीएल, हायर आदि शामिल हैं। कई चीनी कंपनियां भारत के बिजली क्षेत्र के ईपीसी प्रोजेक्ट में भी लगी हैं, जिनमें शंघाई इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्बिन इलेक्ट्रॉनिक, डोंगफेंग इलेक्ट्रॉनिक, शेनयोंग इलेक्ट्रॉनिक आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि हाल ही के वर्षों में देश के स्मार्टफोन बाजार में चीनी कंपनियों ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। चीनी कंपनी शाओमी भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी है। इसके अलावा वीवो, ओप्पो, रियलमी जैसे ब्रांड का भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर कब्जा है और इन सभी कंपनियों की भारतीय बाजार में करीब 65% हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि भारत चीन तनाव के बीच देश में चीन विरोधी माहौल चरम पर है और सरकार ने अब चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त अभियान चल रहा है कि चीनी कंपनियों के माल का बहिष्कार किया जाए। इसके अलावा आरएसएस से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच भी ये मांग कर चुका है कि चीनी कंपनियों को भारतीय प्रोजेक्ट्स के ठेके ना दिए जाएं। ऐसे में समझने वाली बात ये है कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स इस स्लोगन से भारत पर कितना नुकसान या कितना फायदा हो सकता है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।